डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 9 टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज चैप्टर 1 क्लास 10। यहाँ पे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पूछा है कि व्हाट डज वन मीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है कि राइट समथिंग अबाउट एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, व्हाट यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव डेफिनेशंस ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सब चीजों में यही चीजें लिखनी है आपको। देखो पहले समझ लेते हैं एक्सोथर्मिक क्या होता है। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें क्या चीज हीट जो है रिलीज होती है, इवॉल्व होती है। हीट जो है, जो सिस्टम है जहां पे वो रिएक्शन हो रही है उससे बाहर आके एनवायरमेंट में चली जाती है। तो इस तरीके की रिएक्शन को क्या कहा जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये हीट किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ये हीट हो सकती है लाइट की फॉर्म में, ये हीट ये एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है, और ये साउंड की फॉर्म में भी ये एनर्जी जो है वो हो सकती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम मैं बता देता हूँ, एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। देखो एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन को जंग लगता है तब भी क्या चीज एनर्जी रिलीज होती है, दैट कैन बी एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, दूसरी तरफ एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहां पे रिएक्शन को होने के लिए ही हीट चाहिए, मींस एनर्जी चाहिए। मींस यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज नहीं हो रही, एब्जॉर्ब हो रही है। इस तरीके की रिएक्शन को क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। सबसे बेटर एग्जाम्पल होता है इसका मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कब होता है? जब हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है तभी तो भाप में कन्वर्ट हो जाता है ना पानी, इवेपोरेशन। खाना बनाना, कुकिंग। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, पौधे अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं ना, तो वहां पे भी तो एनर्जी चाहिए होती है उन्हें। तो ये सब एग्जांपल्स किसके हैं? एंडोथर्मिक के। एंडोथर्मिक क्या है? हीट एब्जॉर्ब होती है। डेफिनेशन ही देख लो इसके। एक्सोथर्मिक के देखो, दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्वड, यहाँ पे रिलीज भी लिख सकते हो, हीट इज रिलीज्ड इसमें भी लिख सकते हो। दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्वड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसकी एग्जाम्पल देख लो, सी प्लस ओ टू एरो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। देखो हीट क्या है? प्रोडक्ट के रूप में सामने आ रही है, ठीक है ना, प्लस लिखा हुआ है, प्लस हीट क्यों किया, मतलब हीट बन के सामने आ रही है। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक एग्जाम्पल है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन में भी हीट सामने आती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन में जब अमोनिया बनता है तब भी क्या है? हीट जो है रिलीज होती है एज ए प्रोडक्ट। तो ये था एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक को देखें तो those reactions in which heat is absorbed, इसके example देख लो, C plus 2S arrow CS2 और minus heat लिखा है, मतलब heat बनी नहीं है, heat जो है reactant वाली side use हो गई है। Nitrogen plus oxygen NO, heat minus में है endothermic में। इसमें इसको लिखने का तरीका है minus heat endothermic के लिए और plus heat exothermic के लिए। तो this is exothermic and endothermic reaction।